सुन ले तू, इन गर्मियों की छुट्टी में सबसे पहले मायके मैं जाऊंगी, ना कि तू, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। अच्छा जी, तो बड़ी हो ना आप, तो बड़ी होने का ना आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए, तो पहले आपको अपनी छोटी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी मेरी बहन कल ही पहुंच जाएगी मेरी मम्मी के घर गर्मियों की छुट्टियों के लिए, और मैं भी कल ही जाऊंगी 10 दिन के लिए पूरे अपनी मम्मी के घर छुट्टियों पे। ओ महारानी, अगर तुझे कल जाना ही था तो पहले क्यों नहीं बताती है, हर चीज एट ए टाइम क्यों बताती है मुझे तू? ऐसा है, आप मेरी जेठानी हो ना तो जेठानी बन के रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो, अभी मेरी सास है। और वैसे भी ना मैंने मम्मी जी को 3 दिन पहले ही बता दिया था, समझ गए हो? मैं आपको क्यों बताऊं सारी बातें, बताओ मम्मी जी, मैंने आपको बताया था नहीं बताया था कि मैं जाने वाली हूँ मायके अपने घर? मैं ना तुम लोगों से तंग हो गई हूँ, एक दूसरे की नकल करते रहती हो, ये नकल करना ना बंद कर दो तुम दोनों। मम्मी जी, मैं कभी भी इनकी नकल नहीं करती हूँ, यही हमेशा मेरी नकल करती रहती है। अभी पिछले हफ्ते मैं अपने रूम की बेडशीट लेके आई, इनके ना पेट में दर्द हो गया कि महारानी बेडशीट कैसे लेके आ गई। अगले दिन जाकर मम्मी अपने कमरे के पर्दे उठा के लेके आ गई, मैं इनकी नकल क्यों करूंगी? मम्मी जी, मैंने आपको पहले बोला था जाने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर, तो पहले अब मैं ही जाऊंगी अपने घर। महारानी, मैं क्यों तेरी नकल करूं? नकल और बराबरी तो तू करती है मेरी, तूने तो यहाँ तक भी नकल करी कि मैंने और मोनू के पापा ने सोचा एक बच्चा रखेंगे, तो तूने भी दूसरा बच्चा करा ही नहीं। अगर मैं प्लान करती ना दूसरा बच्चा कर लूं तो तू भागी भागी चली जाती कि मैं भी दूसरा बच्चा दीदी से पहले कर लूं। बस कर तू, मैंने सोचा मैं ही जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी घर पे, चुप रह। वाह रे वाह कलयुगी बहुओ, एक दूसरे के सम्मान का तो नकल करती थी, अब बच्चों का भी नकल करने लग गई। हाय राम राम, घोर कलयुग है। मम्मी जी, वैसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, जेठानी जी को ना आपने ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है बड़ी बहू कह के। इनसे ना हमारी तरक्की कभी देखी नहीं जाती, इनके ना कलेजे में आग लग जाती है अगर हम कुछ अच्छा ले लें या अच्छा पैन ओढ़ लें। ओ मैडम जी, मैं क्यों जलूं तुझसे, और मम्मी जी ने मुझे नहीं बल्कि तुझे सर पे चढ़ा रखा है, सारे दिन छोटी बहू करते। और सुन ले, मैं क्यों जलूं तुझसे, तूने कर क्या लिया ऐसा जो मेरे कलेजे में आग लगे, बात करती है। रहने दो, ज्यादा ना सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, परसों ना राजीव की प्रमोशन हुई, वो ना सेल्स मैनेजर बन गई, मैंने इनको बताया इनके ना कलेजे में आग लग गई और उन्हें इनकी शक्ल का रंग ही बदल गया। इन्होंने राजीव को कांग्रेचुलेशन तो बोला नहीं, बस ये बोलने लगी मोनू के पापा भी टीम लीडर बनने वाले हैं। बताओ मम्मी जी, ऐसे मौके पर ऐसी बातें अच्छी लगती हैं? मुझे बताती कि मेरे कलेजे में आग नहीं लगती। मम्मी जी बस अब बहुत हो गया, मैंने तो डिसाइड कर लिया कल मैं ही जाऊंगी गर्मियों की छुट्टियों में, तो मैं ही जाऊंगी। हे भगवान, तुम दोनों के झगड़े से ना मैं तंग आ गई, मेरा तो सिर फटने लग गया, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी रहती है। मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका तो काम ही है बस मुझे नीचा दिखाने का, और ये तो इसी कोशिश में लग रही थी कि किस तरह अपने नंबर बनाऊं। अब मम्मी आप सुन लो, इस बार गर्मी की छुट्टियों में सबसे पहले मैं जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी। ओ हेलो, आप मेरी जेठानी हो ना तो जेठानी बन के ही रहो, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है किसी के सामने नंबर बढ़ाने का। और मैं आपको एक बात बता दूं, नीचा ना उसको दिखाया जाता है जो कभी ऊंचा उठाओ। तू ना जुबान संभाल के बात कर, मुझे क्या पता नहीं तू मेरे पीछे मम्मी के कान बढ़ती रहती है और मम्मी भी तेरी बातों में आ जाती है। चुप रह, मैं जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी इस बार। तू क्या कह रही है, मैं दूध पीती बची हूँ, कोई मेरा कान भरे तो मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी? तुम दोनों ना अपनी बकवास बंद करो, मेरी बेटी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ पिंकी बेटा, कल तू आ रही है गर्मियों की छुट्टियों में, वो भी 10 दिन के लिए। आजा आजा, तेरी भाभियाँ कहीं नहीं जा रही हैं। पिंकी बेटा, तूने तो बहुत अच्छी खबर सुना दी, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। चल बेटा मैं फोन रख रही हूँ, ये खुशखबरी तुम्हारी दोनों भाभियों को सुना देती हूँ मैं। तुम दोनों ना मेरी कान खोल के बात सुन लो, मेरी बेटी आ रही है गर्मियों की छुट्टी में, वो भी 10 दिन के लिए। अब तुम दोनों ना कहीं नहीं जा रही हो,